into. दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूब मास्टर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग स्टिल इमेज को ग्रैब कर सकते हैं डाविंची रिजॉल्व 16 में। अगर आप यूज़ कर रहे हैं डाविंची रिजॉल्व 16 तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम लोग स्क्रीनशॉट ये बोल सकते हैं कि स्टिल इमेज ले सकते हैं रिजॉल्व से। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पहली बार आपके लिए, लेकिन बड़ा सिंपल है। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप लोग ग्रैब स्टिल ले सकते हैं रिजॉल्व से। मान लीजिए आपको ये फ्रेम पे है, आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्यूटर के अंदर कहीं हार्ड ड्राइव में रखना है उसे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ आपको लेके कलर पेज पे, ठीक है। जब कलर पेज पे आएंगे आपको मिलेगा ये, यहाँ पे आपको लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना है और आपको मिलेगा ग्रैब स्टिल। जब ऐसा क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पे गैलरी में एक इसका जो इमेज है सेव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फिर माउस बटन क्लिक करना है लेफ्ट वाले पे और करना है एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको मिलेगा कई सारे, पहले आपको पहले क्या करना है कि नाम दे देना है आपको। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कि ये डेमो इमेज, ओके। फिर आपको सेव एज टाइप से आके चूज़ करना है PNG। देखिए PNG एक लॉसलेस फाइल है, लेकिन आप सेव करेंगे JPG तो एक नॉर्मल JPEG जो कि फॉर्मेट है वो फाइल है। तो अगर आप जो भी पसंद करते हैं आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इसको PNG कर लेता हूँ, फिर इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। फिर आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि कहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जैसे कि मेरे डाउनलोड में आपके यहाँ पे सेव हो चुका है। आप अपने पाथ सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज के वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।